दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साल 2019 और 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक हमने कोविड-19 के आधार पर बनाई हुई है, तो इसे भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वीडियो के एंड में आपके लिए क्विज टेस्ट भी होगा, जिससे आप चेक कर पाओगे कि आपको इन ट्रिक से कितना याद हुआ है। अगर आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपको सिर्फ एक वर्ड ही याद रखना है और वो है कोविड-19। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शांति के क्षेत्र में। 2019 में कोरोना वायरस आया था, जिसके कारण क्या हुआ, इथियोपिया और इरिट्रिया कंट्री के बीच में विवाद शुरू हो गया। कहने लगे कि कोई भी व्यक्ति इरिट्रिया से इथियोपिया नहीं जाएगा और इथियोपिया से कोई इरिट्रिया नहीं आएगा। अब ऐसी सिचुएशन में इन दोनों के मध्य शांति स्थापित करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तभी एक व्यक्ति ने बोला कि मैं अभी इनके मध्य शांति स्थापित कर सकता हूँ। इस तरह से हमें याद हो गया कि 2019 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, अबी अहमद अली को। किस तरह से याद किया हमने कि 2019 में कोरोना वायरस आया था, जिसके कारण इथियोपिया और इरिट्रिया कंट्री के बीच में विवाद शुरू हो गया। इनके मध्य शांति स्थापित करने के लिए क्या किया, एक व्यक्ति ने बोला कि मैं अभी इनके मध्य शांति स्थापित कर सकता हूँ। और अबी अहमद अली हैं जो ये इथियोपिया के प्रेसिडेंट हैं। दूसरी तरफ देखते हैं 2020 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2019 में कोरोना वायरस आया था और ये 2020 में काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। लोगों को बोला जा रहा था कि वो अपने अपने घर में ही रहें। अब घर में रहने से उनका राशन ख़त्म हो गया था और वो भूख से एक दूसरे से लड़ने लगे। अब इनके मध्य भी शांति स्थापित करना बहुत ज़रूरी हो गया था। वो कैसे हो सकती थी कि इनको खाना देकर, और ये नेक काम किया यूएनओ की एक एजेंसी थी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसके लिए इन्हें 2020 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह से हमें दोनों याद हो गए, 2019 का किसे मिला, अबी अहमद अली को, और 2020 का WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में 2019 और 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता। तो जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 2019 में आया था। जब ये आया था तो पीटर नाम के लड़के ने बोला कि मैं अपने हाथ से, अपने हैंड से साहित्य के अंदर कोरोना वायरस के बारे में लिखूंगा, जिसे पढ़कर लोग जागरूक होंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं, जब कोरोना वायरस आया था तब पीटर नाम के लड़के ने बोला कि मैं अपने हाथ से साहित्य के अंदर कोरोना वायरस के बारे में लिखूंगा, जिसे पढ़कर लोग जागरूक होंगे। पर लोगों को लगा कि पीटर का ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है, लोगों को जल्दी जागरूक करना है, इससे अच्छा है कि इस लड़की को लिया जाए जो कविता लिखती है और गाती भी है, जो गा के कविता लोगों को बहुत जल्द जागरूक करेगी, इसलिए इसे लो, इसकी कात्यात्मक बेमिसाल आवाज़ है और ये एक कवित्री है। अब देखते हैं किस तरह से हमें याद हुआ है। 2019 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है पीटर हैंडके को, जिन्होंने बोला कि मैं अपने हाथ से साहित्य के अंदर कोरोना वायरस के बारे में लिखूंगा, जिसे पढ़कर लोग जागरूक होंगे। दूसरी तरफ 2020 में देखते हैं कि लोग कहते हैं कि इसे लो, इसे लो मतलब लो इसे, लो इसे मतलब लुइस, और गार्लिक का मतलब है कि गायक, इसे आपको बनाना है गायक, लुइस गार्लिक। 2020 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, लुइस गार्लिक को, क्योंकि इसकी कात्यात्मक बेमिसाल आवाज़ है और ये एक कवित्री है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 और 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता। दोस्तों अर्थशास्त्र का नाम आते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए इकोनॉमी। तो देखिए 2019 में जब कोरोना वायरस आया था तो इकोनॉमी बहुत तेज़ी से डाउन हो रही थी और ये उस टाइम किसी माइकल नाम के व्यक्ति के हाथ में थी। तो जब कोरोना वायरस आया तो ये कोरोना वायरस माइकल के ऊपर बहुत तेज़ी से हंसने लगा और कहने लगा कि माइकल अब जीत लो, अब जीत लो माइकल, अब मैं आ गया हूँ, अब इकोनॉमी इसी तरह से डाउन होगी। तो ये हमारी ट्रिक बन गई है, अब जीत लो माइकल। अब जीत से अभिजीत बनर्जी, लो से इस्तर डफलो, और माइकल से माइकल क्रेमर। फिर से याद कर देते हैं अर्थशास्त्र के वर्ड से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए इकोनॉमी के बारे में। 2019 में जब कोरोना वायरस आया था तब इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से डाउन हो रही थी, उस टाइम ये माइकल नाम के व्यक्ति के हाथ में थी और कोरोना वायरस आते ही कोरोना वायरस इसके ऊपर हंसने लगा कि माइकल अब जीत लो, अब तो जीत के दिखा, अब तो इकोनॉमी इसी तरह से डाउन होगी, तो अब जीत लो माइकल से
हमारा ट्रिक बन गया कि 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर। देखते हैं 2020 में, तो माइकल के माइंड में क्लिक हुआ कि लोगों में तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसे शायद रोबोट मिलकर मार सकते हैं, कोरोना वायरस को शायद रोबोट मिलकर मार सकते हैं। तो रोबोट मिलके हमारी ट्रिक बन गई है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था 2020 में, रोबोट बी विल्सन और पॉल आर मिलग्रोम। रोबर्ट से, रोबर्ट मिलके से, मिलग्रोम, तो हमारा ट्रिक बन चुका है 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रोबर्ट बी विल्सन और पॉल आर मिलग्रोम। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला है कि आपको सिर्फ एक वर्ड ही याद रखना है और वो है कोविड-19। तो देखते हैं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2019 और 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस 2019 में आया था, तब ये इतना नहीं फैला था। तो क्या था, जेम्स नाम का एक लड़का था जो अपनी शक्ति और बल के लिए इतना फेमस था कि उसके टीवी पे एड्स आते थे डीडी नेशनल पे, और लोग उसकी मिसाल दिया करते थे, लोगों को कहते थे कि आप भी जेम्स की तरह बनो, उसमें काफ़ी बल है। और देखते हैं 2020 में क्या था, जेम्स को कोरोना वायरस हो गया था और 2020 में उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसको रोज़ पेन होने लगा, पेन इतना हाई होने लगा कि वो अपनी ज़िंदगी के एंड में चला गया। अब देखते हैं इस स्टोरी से हमें किस तरह से याद हुआ है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2019 और 20 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो हमारी ट्रिक क्या थी, जेम्स में है बल, लोग उसकी मिसाल दिया करते हैं, क्यों, क्योंकि वो टीवी पे भी आता है। तो इससे हमें याद हो गया कि 3 लोगों को मिला था 2019 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, सबसे पहले जेम्स पीबल, उसके बाद मिशेल मेयर, मिसाल से मिशेल मेयर, और डीडियर क्विंजोल, डीडी नेशनल पे आता था, इससे हमें बन गया डीडियर क्विंजोल। अच्छा, अब आपके माइंड में आता होगा कि सर इसे भौतिक विज्ञान से किस तरह से हम रिलेट करेंगे। तो भौतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं बल के बारे में, शक्ति के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो क्या था, जेम्स में क्या था, बल था, इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं 2020 में क्या हुआ कि उसको कोरोना वायरस हो गया, उसकी हालत ख़राब होने लगी, उसकी बॉडी में रोज़ पेन होने लगा, और वो पेन के कारण क्या है, अपनी ज़िंदगी के एंड में चला गया। तो ट्रिक हमारी क्या है, हाई पेन और एंड। तो 3 लोगों को मिला था 2020 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रोजर पेनरोज, इसके बाद रेन हाई गेंजल और एंड्रिया गेज। फिर से रिपीट कर देते हैं, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2019 में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था, जेम्स पीबल, मिशेल मेयर और डीडियर क्विंजोल। और 2020 में 3 लोगों को मिला था नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रोजर पेनरोज, रेन हाई गेंजल और एंड्रिया गेज। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली ट्रिक में पढ़ा था कि जेम्स को कोरोना वायरस हो गया था और वो अपनी ज़िंदगी के एंड में चला गया था, इसी तरह ये वायरस जेम्स के बाद जॉन नाम के लड़के को भी हो गया था। अब सभी को इंतज़ार था कि इस वायरस का कोई एंटीडोट बनाए, कोई इसकी वैक्सीन बनाए। अब वैक्सीन वही डॉक्टर बना सकता है जिसको रासायनिक विज्ञान का पता हो। तभी पता चला कि अकीरा नाम के एक डॉक्टर है जिसके पास इसका एंटीडोट है। अब उसको पता है, उसके पास एक नली है जिसके अंदर ये एंटीडोट है, और उसने इस नली से ये एंटीडोट जॉन के ऊपर ट्राई करके देखा है और जॉन अब गुड है। तो देखते हैं इस कहानी से हमें किस तरह याद हो गया, रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में 2019 में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे पहले है जॉन बी गुड इनफ। अब देखिए, जॉन के ऊपर अकीरा ने ट्राई करके देखा उस नली से, अब जॉन क्या है, गुड है, पहले से अच्छा है। सेकंड नंबर पे है स्टेनली वहिटिंगम। अब देखिए स्टेनली, अब देखिए अकीरा के पास जो नली थी जिसके अंदर वो एंटीडोट था, तो इससे हमें याद हो गया स्टेनली वहिटिंगम। थर्ड नंबर पे है अकीरा योशिनो, तो अकीरा को ही पता था, योशिनो शी नो, उसे पता था कि वो एंटीडोट अच्छा है और वो सही काम करेगा। तो देखते हैं 2020 के अंदर, अब सभी लोगों को पता चल गया था कि अकीरा के पास वो एंटीडोट है, तो लोग बहुत तेज़ी से उसकी शॉप पे इकट्ठा होने लगे कि हमें भी वो एंटीडोट दो। तभी अकीरा ने बोला कि कोई इधर उधर नहीं दौड़ेगा, सभी को मैनुअली वो एंटीडोट मिलेगी, पर सभी ने एक बात का ध्यान रखना है कि डॉक्टर ने जो आपको बोला है ना कि सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, किस तरह से हाथ धोने, तो वो आप उसका अच्छे से पालन करो, तो सभी को एंटीडोट मिलेगी और मैनुअली मिलेगी, और किसी ने इधर उधर नहीं दौड़ना। तो इस कहानी से हमें याद हो गए हैं 2019 और 2020 के रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता। तो देखते हैं फिर से
2019 में रसायन विज्ञान के विजेता कौन हैं? तो तीन लोगों को मिला था, जॉन वी गुडेनफ, सेकंड पे है स्टेनली वेहिंटिंगम और थर्ड पे है अकीरा योशिनो। 2020 में देखते हैं, जब सभी को पता चल गया कि अकीरा के पास वो एंटीडोट है तो सभी लोग उसकी शॉप पे इकट्ठा होने लगे। तभी अकीरा ने अनाउंस किया कि मैनुअली सभी को स्लिप मिलेगी, कोई इधर उधर नहीं दौड़े। तो इस तरह से हमें याद हो गया कि 2020 में रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में दो लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फर्स्ट है इमैनुअल चार्पियर, इमैनुअल से हमें याद रखना है मैनुअल, और सेकंड दिया है जेनिफर ए डोडना, डोडना से हमें याद रखना है दौड़ना। क्या बोला था अकीरा ने कि कोई इधर उधर नहीं दौड़ेगा, सभी को मैनुअली स्लिप दी जाएगी कि कब उनको वैक्सीन प्रोवाइड होगी, कोई इधर उधर नहीं दौड़ेगा। पर उन्होंने लास्ट में एक बात भी बोली थी कि सभी को एक बात का ध्यान रखना है कि डॉक्टर ने आपको क्या बोला था कि सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ कैसे धोने हैं, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 और 20 में किसे मिला। तो दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट ट्रिक में पढ़ा कि अकीरा ने बोला कि सभी को वैक्सीन मिलेगी, पर आपने उन बातों पे ध्यान देना है जो आपको डॉक्टर ने बोला था। तो डॉक्टर ने 2019 में जब वायरस आया था तब बोला था कि हमें एक दूसरे के साथ सीमा बना के रखना है, जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, कोई किसी के नियर नहीं आएगा। पर क्या हुआ, लोगों ने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया। 2020 में ये वायरस काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका था। क्या हुआ था, सभी टाउन में हाई अलर्ट कर दिया गया कि कोई अपने घर से बाहर नहीं आएगा। उससे क्या हुआ, काफ़ी लॉकडाउन होने के कारण लोगों का राशन ख़त्म हो गया था और उसके बाद उनको खाने के लिए राइस भेजे गए। तो देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में हमें किस तरह से स्टोरी से याद होता है। तो 2019 में जब वायरस आया था तब डॉक्टर ने क्या बोला कि एक दूसरे के नियर नहीं आना, एक दूसरे के बीच में सीमा बना के रखनी है, जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा है। तो इस तरह से हमें याद हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में तीन लोगों को 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले आता है विलियम जी जूनियर, अब जूनियर के पीछे नियर दिया गया है, और चिकित्सा से हमें याद होना चाहिए कि डॉक्टर के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले है विलियम जी जूनियर, सेकंड नंबर पे है पीटर जे रेडक्लिफ। क्या बोला था डॉक्टर ने कि रेडक्लिफ की तरह हमें अपने बीच में सीमा बना के रखनी है। लास्ट दिया है ग्रैम एल सिमंजा, सिमंजा से सीमा। तो डॉक्टर ने तीन बातें ही बोली थी कि हमें एक दूसरे के नियर नहीं आना, एक दूसरे के बीच में सीमा बना के रखनी है, जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। पर क्या हुआ, 2020 में ये वायरस काफ़ी फैल चुका था। क्या हुआ था, टाउन के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया कि अपने अपने घरों में रहो, घरों में रहने से लोगों का राशन ख़त्म हो गया था और उन्हें लास्ट में खाने के लिए राइस भेजे गए थे। तो इस तरह से हमें याद हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में तीन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे पहले है हार्वे अल्टर, अल्टर से अलर्ट, अलर्ट कर दिया गया था टाउन के अंदर कि कोई घर से बाहर नहीं आएगा। सेकंड नंबर पे है माइकल हाफटाउन, हाफटाउन से आधा टाउन है जो बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन लगा दिया गया था। और थर्ड नंबर पे है चार्ल्स राइस, लॉकडाउन के कारण क्या होता, लोगों का राशन ख़त्म हो गया था और उनको खाने के लिए राइस भेजे गए थे। तो क्या है ट्रिक हमारी, टाउन में अलर्ट, घर में ही खाओ राइस, ठीक है। इस तरह से आपको याद हो गए होंगे। अब चलते हैं टेस्ट की तरफ ताकि आपको पता चल सके कि आपको इन ट्रिक से कितना कुछ याद हुआ है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, साल 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता वैज्ञानिकों में से कौन सा सही नहीं है। तो भौतिक विज्ञान से हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए बल के बारे में, ऊर्जा के बारे में, शक्ति के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि जेम्स में बल है और वो इतना फेमस है कि वो टीवी पे भी आता है और उसके लोग मिसाल भी देते हैं। ये तो बात थी 2019 की, पर 2020 में उसे कोरोना वायरस हो गया था, उसकी बॉडी में पेन होने लगा था, पेन इतना हाई था कि वो अपने लाइफ के एंड में चला गया था, अपनी ज़िंदगी के एंड में चला गया था। तो हमें क्या बताना है, 2020 का भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता वैज्ञानिकों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से किसे साल 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब देखिए वर्ड यहाँ पे आया अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का नाम लेते ही हमारे माइंड में इकोनॉमी क्लिक होनी चाहिए। तो देखते हैं 2020 में, उससे पहले 2019 में क्या हुआ था, जब कोरोना वायरस आया था तो क्या था, एक माइकल नाम का व्यक्ति था जिसे कोरोना वायरस हंस के कहने लगा कि माइकल अब जीत के दिखा, अब जीत लो माइकल। तो अभिजीत बनर्जी लो से इस्तर डफलो और माइकल क्रेमर, ये तो था 2019 का। 2020 में माइकल के माइंड में क्या आया था कि इसे शायद
क्या है, रोबोट मिलके मार सकते हैं कोरोना वायरस को, रोबोट मिलके मार सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट क्या दिया है, पाल आर मिलग्रोम, सेकंड दिया है रोबोट बी विल्सन। तो इस तरह ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट क्या है केवल एक सही है, सेकंड ऑप्शन दिया है केवल दो सही है, और थर्ड क्या है उपरोक्त दोनों। तो क्या है, दोनों सही है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में साल 2019 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि 2019 में वायरस आया था, तभी दो देशों के बीच में टकरार हो गया था, उनके बीच में शांति बनाने के लिए एक व्यक्ति ने बोला कि मैं अभी इनके मध्य शांति स्थापित कर सकता हूँ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अबी अहमद अली, ये क्या है इथियोपिया के प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साहित्य के क्षेत्र में साल 2019 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया। तो जब वायरस आया था तभी एक लड़के ने बोला था कि मैं अपने हाथ से कोरोना वायरस के बारे में साहित्य के अंदर लिखूंगा, जिससे लोग पढ़कर जागरूक होंगे। तो किसने बोला था, पीटर हैंडके ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साल 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया। 2019 के बाद 2020 में वायरस काफ़ी बढ़ चुका था, लोगों को कहने लगे कि आप घर में ही रहो, घर में रहने से क्या है उनका राशन ख़त्म हो गया था, भूख से मर रहे थे, तभी उनको राशन किसने प्रोवाइड किया, WFP ने, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये क्या है UNO की एक एजेंसी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 में बेमिसाल कात्यात्मक आवाज़ के लिए किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किसे दिया गया था, लुइस गार्ले को, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साल 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता वैज्ञानिकों में से कौन सा सही नहीं है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के वर्ड से हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए इकोनॉमी। तो जब 2019 में वायरस आया था तो वायरस ने माइकल को क्या बोला था, अभिजीत लो माइकल। तो देखते हैं कि कौन सा इनमें नहीं है, फर्स्ट क्या है अभिजीत बनर्जी, तो ये भी था, सेकंड है इस्तर डफलो, तो ये भी था, थर्ड है माइकल क्रेमर, तो ये भी था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमने यही बताना था कि कौन सा वैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साल 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो अब देखिए, साल 2019 में रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में, तो क्या था, अकीरा नाम की एक लड़की थी जिसने जॉन के ऊपर ये वैक्सीन ट्राई करके देखा था, उसके पास एक नली थी जिसके अंदर ये वैक्सीन था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपरोक्त सभी, तो इन तीनों को मिला था साल 2019 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, निम्न में से किसे साल 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अब देखते हैं 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया। तो फर्स्ट है हार्वे अल्टर, तो क्या था, टाउन के अंदर हाई अलर्ट लगा दिया गया था। सेकंड है चार्ल्स राइस, तो उनको खाने के लिए राइस दिए गए थे। थर्ड है माइकल हाफटाउन, तो हाफटाउन क्या है, लॉकडाउन कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमने यही बताना था कि कौन सा नहीं है, तो पीटर हैंडके नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला था। 2020 में किसके क्षेत्र में, भौतिकी। अब इसके नाम से, भौतिकी के नाम से हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए बल शक्ति के बारे में। तो 2019 में क्या था कि जेम्स में काफ़ी बल था, वो इतना फेमस था कि उसके लोग मिसाल देते थे और वो टीवी पे आता था। पर 2020 में क्या हुआ, उसे वायरस हो गया, उसकी बॉडी में पेन होने लगा, वो अपने लाइफ के एंड में चला गया क्योंकि पेन इतना हाई था। तो देखते हैं, रेंडन हाई गेंजल ये भी था, एंड्रिया गेज ये भी था, रोजर पेनरोज ये भी था। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर जे रेडक्लिफ को किस क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जैसे रेडक्लिफ लाइन है उस तरह से हमें डिस्टेंस बना के रखना है। तो ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टर ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में पीटर हैंडके को किस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जब कोरोना वायरस आया था तो पीटर ने बोला कि मैं अपने हाथ से कोरोना वायरस के बारे में अपने साहित्य के अंदर लिखूंगा, जिससे क्या होगा कि लोग जागरूक होंगे। तो कब, 2019 की बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, WFP को किस वर्ष का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब दिया गया था, 2020 में।
नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी, 1968 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये ट्रिक वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।